हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कच्चे आम पन्ना की रेसिपी। ये आम पन्ना आपको गर्मी और लू दोनों से बचाने का काम करता है, क्योंकि ये आम पन्ना आपको ठंडक प्रदान करता है। कच्चे आम और पुदीना से बना ये आम पन्ना बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट से हेल्दी वाली रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चा आम पन्ना बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है लगभग आधा किलो के बराबर कच्चे आम। बिल्कुल कच्चे हैं, हम यहाँ इसे नाइफ़ की हेल्प से इसके पीछे वाले भाग को काट के अलग कर लेंगे। उसके बाद इसके छिलके को हम निकाल लेंगे। तो ध्यान रहे, इसके छिलके को बहुत मोटा नहीं निकालना है, बहुत ही पतली लेयर्स इसकी हम निकाल लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम सारे आम के छिलके को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे आम के छिलके को निकाल लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही पतली लेयर्स इसकी हमने निकाली है। तो फटाफट से अब हम इसको उबालने के लिए यहाँ पे लेंगे एक बड़ा बर्तन और उसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी हमें यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, उतना ही ऐड करेंगे जिससे जो छिले हुए आम है वो अच्छे से उबल जाए। आम को ऐड करने के बाद इसे हम लगभग 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, या फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि आम अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पे हम इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे जिससे जो आम है वो अच्छे से पक जाए। तो लगभग 10 से 15 मिनट हो गया है, आम भी एकदम अच्छे से पक गया है। तब इसे हम निकाल लेंगे साइड में और रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक आम हमारा ठंडा हो रहा है, तो चलिए फटाफट से एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो पेस्ट तैयार करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे मिक्सर का जार और उसमें हम डालेंगे लगभग 1 कटोरी के बराबर पुदीना के पत्ते। पुदीना के पत्तों को हमने टहनियों से अलग करके अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे हम मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ नहीं ऐड करना। अब इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पुदीना के पत्ते जितना ही बारीक पीस सकते हैं, हम यहाँ पे उसे पीस लेंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार हो गया और यहाँ पे जो आम है वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसे हम अपने हाथों की हेल्प से मसल मसल के इसके सारे पल्प को अलग कर लेंगे और गुठलियों को भी अलग कर लेंगे। ये बहुत ही ईजिली से हो जाएगा, क्योंकि आम जितने अच्छे से बॉयल होंगे उतने ही आसानी से हमारा पल्प और गुठली दोनों ही अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारे पल्प्स और गुठलियों को अलग कर लिया है। तो अब चलिए फटाफट से इसका हम मसाला पन्ना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक दरबरा कूटा हुआ भुना जीरा और 1 चम्मच टेस्ट के अनुसार काला नमक। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने यहाँ पुदीना का पेस्ट तैयार करके रखा है, उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टेस्ट अनुसार सादा नमक। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो आम पन्ना है यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे 1 गिलास के बराबर ठंडा पानी। आप इसकी जगह पे थोड़े से आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो इसमें पानी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा पन्ना पतला पीना पसंद करते हैं तो ज़्यादा और कम पीना पसंद करते हैं तो कम। तो हमारा जो आम पन्ना है वो बनकर रेडी हो गया है। इसे सर्व करने से पहले एक बार हम इसे टेस्ट कर लेंगे कि नमक और सभी चीज़ों की क्वांटिटी ठीक है या नहीं। तो फटाफट से बनने वाला आम पन्ना हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 सर्विंग ग्लास और उसे हम इसे सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे तक और भी रख दीजिए ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद इसे सर्व कीजिए। तो गर्मी के मौसम में ठंडक देने वाली आम पन्ना बनकर तैयार है। आप भी इसे गर्मी के मौसम में ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये आम पन्ना की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।